उपचुनाव के मतदान के पहले शिवराज सरकार को निर्दलीय विधायक का समर्थन मिला है। खरगोन से निर्दलीय विधायक केदार सिंह डावर ने भाजपा को अपना समर्थन दिया है। गुरुवार को निर्दलीय विधायक केदार सिंह डावर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने प्रदेश की शिवराज सरकार को अपना समर्थन दिया है। 8 साल के बाद थोड़ा जो है ना, कुछ कुछ लोग सठिया जाते हैं, हमारे कहावत है, देखिए कभी कभी कैलाश विजयवर्गीय जननेता है। कैलाश विजयवर्गीय के अब कहोगे ना एक बटन के बराबर भी नहीं है सज्जन सिंह वर्मा। कैलाश विजयवर्गीय गरीब घर से उठे हुए, यहाँ तक कोरोना काल के कारण ही बढ़ाई गई है, शायद 2,60,000 ऐसा कुछ बढ़ाया, 1,00,000 2,80,000 बढ़ाए गए तो कोरोना काल नहीं, वो तो निर्वाचन का विषय है, तो और बढ़ा दें, उसमें हमारे जैसे लोग को कुछ टिप्पणी। सर, ठाकुर मदरसे के सवाल उठा रही है, कह रही है आतंकवादी क्या लगता है बीजेपी का क्या सोच है? उषा ठाकुर जी से बातचीत करिए, धर्मस्व मंत्री है, तो मुझे लगता है कि जब उषा ठाकुर जी यहाँ पे आगे तो जरूर पूछिए उनसे, उनके डिपार्टमेंट से कहा जा रहा है कर्मचारियों को जो साधु वेतनमान की चीजें किससे दी जा रही है, चुनाव इसलिए दी जा रही है। कर्मचारी हित ऐसी सरकार है, कर्मचारियों के लिए हमेशा खड़ी रहने वाली सरकार है। आपको ध्यान होगा कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में जो है ना 40,000 कर्मचारी निकाल दिए थे, उमा जी ने सबको भर्ती किया था, इसलिए सरकार सबके हित ऐसी है, जो अच्छा हो सकता करेंगे, इसके कारण नहीं करेंगे, वो भी मनुष्य है, वो भी आदमी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उस समय से सब बढ़ना चाहिए। अभी डावर जी और उसके पहले शेरा भाई भी आपसे मिले, शेरा जी भी मिले, एक के बाद एक पूरे निर्दलीय आप लाइनअप करते जा रहे हैं, लाइनअप बैंगलोर का पूरा एपिसोड भी आप ही ने देखा था, तो ऐसा तो नहीं कुछ एडवांस में तैयारी हो रही है शेरा जी का? मुझे लगता है कि राजनीति में संभावनाओं को कभी इनकार नहीं किया जा सकता, राजनीति में संभावनाओं को कभी इनकार नहीं किया जा सकता। शिवराज सिंह चौहान की विकास ऐसी नीतियों के कारण बाकी लोगों से भी विनम्र निवेदन करता हूं कि ये जो है ना आइटम दल कहने वाले कमलनाथ जी से बच के ये गरीब नेता शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़े हो तो कभी भी कुछ हो सकता है। आगे शेरा जी का तो सबक नहीं, खुला सबक है शेरा जी का, शेरा जी अपने काम के लिए इतने सब हमको पेपर भी देखे गए, उनके काम भी 186 भगवानपुरा जिला खरगोन से निर्दलीय विधायक हूँ। मेरे क्षेत्र के विकास के लिए और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मैं वर्तमान सरकार को अपना समर्थन दे रहा हूं, और क्षेत्र ताकि मेरे क्षेत्र की कोई भी जो काम पेंडिंग है वर्षों पुराने, सबसे ज़्यादा तो मेरे क्षेत्र के बच्चों के लिए आज तक कोई महाविद्यालय नहीं है, और हर साल 2,000 से 3,000 छात्र वहां से निकलते हैं, उनको प्रवेश नहीं मिल पाता है और वो अपनी शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, तो ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण विकास और बच्चों की शिक्षा के लिए समस्याएं हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और उनके समाधान का आश्वासन दिया है, तो मैं इसीलिए मेरे क्षेत्र के विकास के लिए वर्तमान सरकार को समर्थन। अचानक आपके मन में ये ख्याल क्यों आया, चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में आप मतलब अपनी पार्टी छोड़कर यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं? पार्टी कोई है मैं वर्तमान में सारे पत्रकार बंधुओं के होता हूँ, मैं निर्दलीय हूँ और निर्दलीय होने के नाते मेरे क्षेत्र के विकास के लिए मुझे जो भी सरकार है उससे अपने क्षेत्र के विकास के लिए बात करना है, आना है, जाना है। थैंक यू।